नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रिक्त पदों पर विनियमित सफाई कर्मचारी होंगे स्थायी। वर्ष 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी होंगे विनियमित, साथ ही मेडिकल आधार पर सेवानिवृत्ति अथवा विनियमित मृतक कर्मचारियों के एक परिजनों को मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का लाभ। सफाई कामगारों की मांगों पर सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप कड़ोसिया को अध्यक्षता में बैठक। राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रताप कड़ोसिया के अध्यक्षता में नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई की उपस्थिति में सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों पर बल्लभ भवन मंत्रालय में बैठक आयोजित की गई। और बैठक में संयुक्त संचालन मयंक वर्मा, आयोग सचिव बीडी भूमरकर, संयुक्त संचालक स्वच्छ भारत मिशन हिमांशु सिंह और सफाई कामगारों के प्रतिनिधि सर्व श्री गंगाराम गोसरे, अशोक वाल्मीकि, विष्णु भारती, राम प्रकाश वंशकार, अमित कच्छावा, राजेश खरे, प्रीतमपुर कमल भाटी, राजू सांगते, मधु वाल्मीकि और पर्वती ताम्य अभी मौजूद रही है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 मई 2007 अनुसार समस्त निकायों में कार्यरत विनियमित सफाई कामगारों को सफाई कामगार के उपलब्ध रिक्त पदों पर वीरता के आधार पर स्थायी किया जाए। देखिए, आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों के सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि आयोग कार्यालय में आए थे। पिछले 2-3 माह से उनके साथ बैठकें हो रही थी। उन्होंने जो मांग पत्र हमारे पास रखे थे उनमें कुछ मांग पत्र ऐसे थे कि सफाई कर्मचारियों के जो नियम हैं उनमें जो संशोधन किया जाए तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। आज सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि हम और हमारे नगरी प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी, मयंक वर्मा जी और समस्त अधिकारियों के साथ हमारी चर्चा हुई। उसमें यह निर्णय हुए कि जो 7 से 16 तक जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं उनको तुरंत ही विनियमित किया जाएगा, जिससे उनका 8-9 हजार रुपया जो वेतन मिलता है वो सीधे लगभग 18-19 हजार रुपए होगा। इसी के साथ 2007 में जिन दैनिक वेतन भोगियों ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उन्हें विनियमित कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी नगरी निकाय हैं उनमें रिक्त पदों पर वरीयता सूची के आधार पर दैनिक वेतन भोगी विनियमित कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। इसी के साथ अनुकंपा नियुक्तियों में बहुत ऐसे नियम कठिन थे कि सफाई कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था, तो मृतक सफाई कर्मचारी के स्थान पर चाहे उसके परिवार में कोई शासकीय सेवक हो या नगर निगम में नौकर हो, फिर भी नियमों को संशोधित करके ऐसे मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार को एक अनुकंपा नियुक्ति देना अनिवार्य किया जाएगा। इसी के साथ विनियमित कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी नहीं मिलती है, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान कराया है। और मेडिकल आधार पर भी अनुकंपा नियुक्ति, जैसे जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है और उसके 62 वर्ष होने में 4-5 साल बाकी हैं और उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उनको रिटायरमेंट करके मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करा के उसके परिवार को भी एक अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसी के साथ जो सफाई कर्मचारियों का एक्ट बना है 2013, उसमें सर पे मेला ढोने की प्रथा को समाप्त किया है, तो उनका पुनर्वास करना था एक्ट के अनुसार। उनको मकान, दुकान, प्रशिक्षण और उनको वाहन ऐसे उपलब्ध करा के उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। उसके भी दिशा निर्देश संपूर्ण नगर पालिकाओं में जाएंगे। इसी के साथ जो नगरी निकाय जिन वाहनों का संचालन कर रही है, जो कचरा घरों का संचालन कर रही है,